हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दीप ज्योति किचन में। मैं ज्योति आज आपके लिए नवरात्रा स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ, क्योंकि नवरात्रा स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत से लोग फास्ट भी रखते हैं। कोई फर्स्ट और लास्ट का फास्ट रखता है, कोई 9 दिन तक नवरात्र के फास्ट करते हैं। तो हमें समझ में नहीं आता हम 9 दिन तक क्या बनाकर खाएं, इसलिए मैं आपके लिए व्रत की बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी। तो आज मैंने आपके लिए एप्पल खीर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये एप्पल खीर बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और इसे बनाना भी बहुत आसान है, बहुत जल्दी और झटपट बन के तैयार हो जाती है। इसको ज़्यादा समय नहीं लगता और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है, आप बहुत ही आराम से इसे बनाकर खा सकते हैं। इसके लिए मैंने एक एप्पल लिया है, एप्पल आप अच्छा बिल्कुल रेड कलर का लीजिएगा, जो मीठा हो एप्पल। और इसके लिए और इसमें सबसे पहले हम एक कढ़ाई में कम से कम आधा लीटर के करीब दूध डालेंगे। इसमें जो मलाई थी मेरी वो भी मैंने डाल दी है, इससे हमारा खीर का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। गैस ऑन कर दी है मैंने, अब इसको हम गाढ़ा होने देंगे दूध को। अगर आप एक एप्पल की खीर बना रहे हैं तो आपको आधा लीटर दूध लगेगा, और अगर आप दो एप्पल की खीर बनाएंगे तो आपको 1 लीटर के करीब दूध लगेगा। ये आधा लीटर दूध मैंने ले लिया है। इधर हम इस एप्पल को बिल्कुल छील लेंगे, छिलका इसका निकाल लेंगे। ये मेरा एप्पल पूरा छील लिया है और इसको हम ग्रेट करेंगे। देखिए एप्पल को मेरा सारा ग्रेट कर लिया है, ये बीच का हिस्सा हम निकाल देंगे और इसको रखना नहीं है। ग्रेट करने के बाद इसको तुरंत हम एक पैन में इसको हम पकाएंगे। क्योंकि एप्पल को ग्रेट करने के बाद अगर थोड़ी देर भी आप छोड़ दोगे तो वो काला पड़ जाता है, इसलिए आपको ग्रेट करके तुरंत इसको पकाना है। अब इसको हम पकाएंगे एप्पल को। क्योंकि खीर में एप्पल को हम कच्चा नहीं डाल सकते हैं, इससे क्या हमारा दूध फट सकता है, इसलिए हम इसको हमेशा पकाकर ही खीर में डालना चाहिए। एक तरफ हमारा दूध गाढ़ा हो रहा है और इसमें ये मैं इलायची पाउडर डाल देती हूँ। एक इलायची को कूट कर मैंने डाल दिया है। देखिए एप्पल हमारा सॉफ्ट हो गया है, पक गया है। और ये एप्पल खीर खाने में बहुत ही हेल्दी होती है, और इसमें आपको एप्पल खाने का मन नहीं करे तो आप एप्पल खीर बनाकर भी खा सकते हैं। कभी कभी हमारा फ्रूट्स खाने का मन नहीं होता है तो आप इस तरह इसको खा सकते हो। अब ये एप्पल हमारा पक चुका है तो अब इसमें हम करीब आधा कटोरी के करीब चीनी डालेंगे। मीठा तो जैसे आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब चीनी डालकर हम इसको पकाएंगे। करीब 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे जिससे चीनी अच्छे से मिल जाए इसमें एप्पल में। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू और बादाम, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और इसको हम इस दूध में डाल देंगे। इधर ये हमारा एप्पल और चीनी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, बस इसको हमने गैस बंद कर दिया है मैंने। दूध भी हमारा गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम बिल्कुल ही थोड़ा सा 1/4 चम्मच से भी कम, एक चुटकी के करीब ही मान लीजिए आप, एक चुटकी बेकिंग सोडा डालेंगे।
इससे क्या होगा, जब हम एप्पल इसमें दूध में डालेंगे तो हमारा दूध क्या फटेगा नहीं। कभी कभी क्या होता है कि जब एप्पल अगर ज़्यादा खट्टा होता है तो, और हम दूध में गर्म, जैसे ही गर्म दूध में डालते हैं तो दूध फटने की वो रहती चांसेस रहते हैं। अभी एप्पल का मिश्रण हम इसमें डाल देंगे। वैसे तो एप्पल को पकाने के बाद में दूध फटने का चांस नहीं रहता है, लेकिन हम 1% भी चांस ना लें इसलिए हमने थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया इसमें। अब इसको डालकर हम थोड़ी देर पकाएंगे। ये देखिए एप्पल को डालने के बाद हमने 2-3 मिनट और पकाया है इसको। अब इसको हम बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी यम्मी टेस्टी एप्पल खीर बनके हमारी रेडी हुई है, और ये इतनी टेस्टी लगती है खाने में। आप प्लीज़ इसे आप ज़रूर ट्राई करें, बना के ज़रूर खा के देखें इसको रेसिपी को, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको अगली रेसिपी कौन सी देखनी है, तो मैं वही रेसिपी शेयर करूंगी।